वीरों, हमें अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। राक्षस मायावी है और रूप बदलने में चतुर है। कभी भी किसी का भी रूप लेकर वो तुम्हारे पास आ सकते हैं। ये हमें अपनाएंगे क्यों? कहीं क्रोध में आकर ये हमारा अहित कर बैठे तो? हम शरणार्थी हैं, चाहे कुछ भी हो जाए आप सब कुछ नहीं कहेंगे, मैं उनसे बात करूंगा। वानर वीरो, कौन है ये? हम लंका के तट पर हैं। अवश्य ही ये दुष्ट राक्षस होगा। कौन हो तुम? कहां से आए हो और क्यों आए हो? मेरा परिचय तो केवल इतना है कि मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूं और उनकी शरण में आया। भक्तों का कोई नाम होता है, पहचान होती है। आकाश मार्ग से आए हो, साधारण नहीं हो सकते। अपना परिचय दो वरना मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। रुकिए, मैं लंकापति रावण का भाई विभीषण हूं। प्रभु श्री राम की शरण में आया हूं। लंका से है अर्थात गुप्तचर है? हाँ, हमारा भेज जाने आया है ये। मार डालो इस दुष्ट को। मैं गुप्तचर नहीं, आप अनुचित समझ रहे हैं। उचित ही समझ रहे हैं छलिए। जिस रावण ने छल से मेरी भाभी माँ का अपहरण किया, उसका भाई कौन सा साधु होगा? बड़ा भाई साधु का भेष धरकर आया और छोटा भाई शरणार्थी। भक्त के भेष को धर लेने से तुम हमें मूर्ख तो नहीं बना पाओगे। तुम उस पार रहो या इस पार, प्रारब्ध तो तुम्हारा मृत्यु ही है। सच बता वरना। रुकिए, यदि मृत्यु मेरा दंड तो मुझे स्वीकार है, किंतु मैं छल के लांछन के साथ मरना नहीं चाहता। आप केवल एक बार मेरा सत्य श्री हनुमान के मुख से सुनी। हनुमान काका श्री? ये दोस्त झूठ बोल रहा है, मारो इसे। मार डालो, मारो, मारो इसे। ये कोलाहल कैसा है? मार डालो। आप हमारे प्रभु श्री राम का संदेश लेकर आए हैं? धन्य हो गया मैं प्रभु, धन्य हो गया। विभीषण जी, श्री राम चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम, काट मद श्री से मिला दे श्री मद रामायणम, श्री मद हनुमान जी, आपने मुझसे कहा था कि मेरे प्रभु श्री राम मुझे स्वीकार कर लेंगे, बस
इसी आशा से आया हूं। प्रभु श्री राम आ ही रहे हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। श्री राम चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजा। दया का दूसरा नाम है श्री राम, शरण में आय का सहारा है वो। यदि अधर्मी रावण भी उनके चरणों में जा गिरेगा ना, तो वो उसे भी अपने हृदय में स्थान दे देंगे। भय और चिंता से मुक्त कर देने वाले हैं मेरे श्री राम। वैसा ही रूप, वैसी ही आभा, जैसा माता सीता वर्णन किया करती थी। पावन तेज, निश्चल दृष्टि, सौम्य मुख, प्रभु आप नर नहीं, साक्षात नारायण, साक्षात नारायण, जिसकी मुझे वर्षों से प्रतीक्षा थी। प्रभु अपने भाई के पापों को पीछे छोड़ आपकी शरण में आया हूं। प्रभु मुझे स्वीकार कीजिए, प्रभु मुझे स्वीकार कीजिए। इसकी बातों में मत आना मित्र, राक्षस है ये। ऐसे विश्वासघाती का क्या मोल जो अपने भाई से छल करके आया है। वानर राज का कथानुचित है भैया, यदि ये भक्त के भेष में कोई गुप्तचर हुआ तो। मेरा भी यही मत है प्रभु। तुम्हारा क्या मत है हनुमान? प्रभु रावण की अधर्म की लंका में विभीषण जी ही धर्म का एकमात्र दीप थे। प्रभु मैं इनकी सहायता से ही माता सीता को खोज पाया। प्रभु रावण की सभा में इकलौते विभीषण जी ही थे जो मेरे लिए लड़ रहे थे। प्रभु आपके प्रति इनकी भक्ति निश्चल है, इनका भाव निर्मल है। किसी को हो ना हो, परंतु मुझे महाराज विभीषण पे पूरा विश्वास है। हनुमान को विभीषण पर विश्वास है और मुझे हनुमान पर। आप यहां सुरक्षित है विभीषण। यहां मैं अपनी सुरक्षा के लिए नहीं आया, अपितु लंका की प्रजा की रक्षा के लिए आया हूं। रावण रूपी वृक्ष जब पाप के बोझ से गिरेगा तो असंख्य निर्दोष मारे जाएंगे, बालक अनाथ होंगे। मैं केवल उन्हीं की रक्षा के लिए आया हूं प्रभु। उठो विभीषण, प्रजा का वर्तमान और भविष्य एक राजा ही बचा सकता है। बोलिए लंकेश। लंका के उत्थान के लिए क्या आप हमारी सहायता करेंगे? लंकेश? हाँ विभीषण, राजा वही जो झूठे दंभ और अहंकार से ऊपर उठकर प्रजा का ध्यान रख सके।
जिसे धर्म का ज्ञान हो, जिसकी दृष्टि से प्रजा का संकट कभी छूटा ना रह सके, जो कभी किसी निर्दोष को दंड ना मिलने दे। विभीषण, तुमने इतना बड़ा संकट उठाकर लंका और लंका के सामान्य जन के लिए रावण का विरोध करने का निर्णय लिया है, ये तुम्हें लंका का भावी राजा बनने के योग्य सिद्ध करता है। मुझे विश्वास है विभीषण, आपके नेतृत्व में लंका में धर्म का वास होगा। मुझ जैसे राक्षस पर ये कैसी कृपा कर दी आपने प्रभु? नहीं विभीषण, आप राजा मेरी कृपा से नहीं, अपनी सोच से बनेंगे। तुम है इसी क्षण आपका राज्य अभिषेक करूंगा। राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम, राम जय राजा राम। रावण को युद्ध में हराकर मैं आपको राज्य सिंहासन पर बिठाने का वचन देता हूं। प्रभु, मैं तो यहां आपका दास बनने आया था और आपने तो एक दास को राजा बना दिया। प्रभु, ये सामर्थ्य केवल प्रभु श्री राम ही कर सकते, केवल प्रभु श्री राम। सामर्थ्य आपको दिखाना होगा विभीषण, लंका के कल्याण के लिए युद्ध में हमारा सहयोग कर। महाराज, वो राम ने लंकाद्रोही विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया है। मैं जानता था विभीषण वहीं जाएगा। और क्या कहा उसने? उन्होंने कहा कि राजा राजा वो नहीं जो जो राज सिंहासन की शोभा बढ़ाए, बल्कि बल्कि राजा राजा वो है जो प्रजा के हृदय में विराजे और धर्म के पथ पर चले और अपनी प्रजा को सुमार्ग पर ले जाए और उनसे प्रेम करे। और विभीषण ने कहा कि जो दास बनने आया उसे राजा बनाने का सामर्थ्य श्री श्री राम में है। राम के अतिरिक्त अब कोई आसरा नहीं है तुम्हारा। महाराज विभीषण की जय! महाराज विभीषण की जय! मैं रघुकुल का वंशज महाराज दशरथ का पुत्र राम विभीषण को लंका का राजा घोषित करता। मुझे विश्वास है कि लंका विभीषण की अगुवाई में धर्म के पथ पर चलेगा। प्रभु, मैं अब भी आपका दास हूं। मेरी शक्ति, मेरी संपत्ति सब आपकी है प्रभु। ये सेवक सदैव आपकी सेवा करने की चेष्टा करता रहेगा। जिन पायन के पादुकन ही भरतु रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हम।
महाराज विभीषण की जय। महाराज विभीषण की जय। महाराज विभीषण की जय। महाराज विभीषण की उष्ट्राण विवाहेशु गीतम गायन्ति गदर्भ परस्पर प्रशस्यन्ति अहो गीतम अहो स्वरम अहो रूपम अहो ध्वनि। कुछ समझे शार्दुल? अर्थात ऊंटों की शादी में गधे गीत गाते हैं, एक बेसुरा कुरूप की प्रशंसा करता है और कुरूप बेसुरे के स्वर पर ताली बजाता है। क्या अद्भुत प्रसंग है, एक निष्कासित कायर ने एक निर्धन वनवासी के चरणों का दास बनना स्वीकार किया और उस वनवासी ने उस कायर को राजा बनाने का आश्वासन दिया। दो भाग्यहीन एकजुट होकर रावण का सामना करने का स्वप्न देख रहे हैं। चिंता मत करो, मेरी रुचि वानर सेना का बल जानने में अधिक है पिताश्री। शार्दुल, चिंतित युवराज की चिंता दूर करो। महाराज, लगभग 16 कोटि वानर एकजुट हुए हैं और उनका नेतृत्व एक शक्तिशाली वानर सुग्रीव कर रहा है जो अपने बल और रणनीति के लिए विख्यात है। राम की सेना में अंगद, केसरी, जामवंत और लक्ष्मण जैसे महाशक्तिशाली योद्धा शामिल हैं। विभीषण जी, लंका की शक्ति, वहां का मानचित्र और वहां की युद्ध शैली के विषय में आपसे अधिक ज्ञान यहां पर किसी को भी नहीं, तो सर्वप्रथम आप हमें ये बताइए कि इस 100 योजन से भी अधिक समुद्र को पार कैसे किया जाए लंका पहुंचने के लिए? सागर को पार करा सकने में सक्षम केवल वरुण देव। किंतु वो हमारी सहायता नहीं करेंगे। परंतु ऐसा क्यों विभीषण? तो हारने वाले का धर्म है कि वो विजेता की हर बात माने। तुम इस पापी अधर्मी राक्षस की लंका जो चारों ओर जल से घिरी हुई है उसकी रक्षा करोगे। वरुण देव लंका को शत्रुओं से बचाने के लिए वचनबद्ध। आज तक कोई भी जल मार्ग से लंका तक नहीं जा पाए। वो रावण के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे। ये सामान्य योद्धा नहीं है पिताश्री। इतने बलशाली योद्धाओं का एकत्रित होना उस राम की मंशा अवश्य ही कुछ बड़ा करने की है। तो क्या इंद्र को परास्त करने वाला इंद्रजीत एक वनवासी से भयभीत हो गया? कौन है राम? मुट्ठी भर वानरों के अतिरिक्त क्या है उसके पास? क्यों चिंतित होते हो? बाली का वध करके राम ने स्वयं अपनी भुजाएं काट ली हैं। और हनुमान? हनुमान ने जो उत्पात लंका में मचाया वो इसलिए क्योंकि हम सतर्क नहीं थे, अन्यथा उसकी गर्दन चंद्रहास को भेंट चढ़ जाती। और रहे शेष बड़े नाम, सुग्रीव वो कायर है जो बाली से छिपा बैठा था, जामवंत पूड़ा है और अंगद एक बालक। अकेला हनुमान क्या करेगा? 16 कोटि वानरों को अपनी पीठ पर लाद कर लंका लाएगा। राम समुद्र के तट पर बैठा है, उसे वहीं बैठे रहने दो, थक कर लौट जाएगा। सागर पार नहीं कर पाएगा वो, इसलिए चिंता छोड़ दो मेघनाथ।
यदि वरुण देव ही सागर से जाने का मार्ग दे सकते हैं तो मैं वरुण देव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो हमें मार दें। क्षमा कीजिए भैया, परंतु प्रार्थना करने जितना समय नहीं है हमारे पास। हमारे वनवास को समाप्त होने के लिए बस एक माह का समय शेष रह गया है। वहां अयोध्या में भरत भैया हमारे लौटने के दिन गिन रहे होंगे और लंका में भाभी मां सीता। और अब जब हम जानते ही कि वरुण देव उस रावण के दास हैं और लंका के विरुद्ध हमारी कोई सहायता ही नहीं कर पाएंगे तो फिर उनसे प्रार्थना करने का क्या लाभ है भैया? भैया वीर पुरुष पूजा नहीं करते हैं, प्रहार करके अपना मार्ग बनाते हैं। और आपके तुनिर में तो इतने महाबलशाली तीर हैं कि यदि आप एक बाण चला दें इस समुद्र पर तो समस्त सागर को सुखा सकते हैं। फिर वरुण देव से विनती क्यों भैया? क्योंकि यही मर्यादा है लक्ष्मण, सागर पर अयोध्या का शासन नहीं, वो एक भिन्न लोक है और प्रवेश से पहले अनुमति ना लेना अनीति होगी। धर्म का मार्ग प्रशस्त करने के लिए मैं अधर्म का पथ नहीं चुन सकता। वो वीरता अधूरी है जिसमें मर्यादा, धैर्य और विवेक ना हो। अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए यदि हम बलपूर्वक किसी को विवश करेंगे तो हम में और रावण में कोई अंतर नहीं होगा लक्ष्मण। और बल से झुकने वाले शीश विरोध में सबसे प्रथम उठते हैं, और हमें सागर से विरोध नहीं सहयोग चाहिए। इसलिए हम सागर से प्रार्थना करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास कि वरुण देव हमारा उद्देश्य समझेंगे और हमारी सहायता करेंगे। परंतु यदि आपकी प्रार्थना के पश्चात भी उन्होंने आपका अनुनय नहीं माना तो? जो हुआ नहीं उसकी कल्पना कर भविष्य नहीं गढ़ा जाता लक्ष्मण। हम अयोध्या की गरिमा का मान रखेंगे और उसके पश्चात कोई निर्णय लेंगे। थोड़ी प्रतीक्षा और सीते, तुम्हारा राम आ रहा है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.